हम आटे का हलवा बनाएंगे। आटे का हलवे के लिए क्वार्टर कप बेसन लिया है, क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा बेसन। उसी के ऊपर ही आटा डाल रही हूँ, गेहूं का आटा। देखिए, दोनों बेसन और आटा मिला करके 1 कप दोनों में कढ़ाई में डाल रही हूँ। और इस हलवे को सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं, सिर्फ गुड़ घी से भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको घी और ऑयल दोनों मिला करके डाल रही हूँ। देखिए, घी और उसी में ही ऑयल और घी दोनों, देखिए 1 कप। इसको गैस के ऊपर रखेंगे, 10 मिनट के लिए इसको भूनना है। तो गैस के ऊपर रखेंगे इसको। उससे पहले अभी 1.5 कप चीनी, 1.5 कप चीनी या गुड़, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो उसमें 1.25 या 1.5, अपने स्वाद अनुसार, 2 कप में पानी डाल रही हूँ। तो इसको गैस पर रख करके पिघला लेंगे, गुड़ हो या चीनी हो पिघलाना है। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में जो बेसन और आटा रखा है उसको भून लेते हैं। देखिए, 10 मिनट के लिए मीडियम आंच में रख करके भूनना है। देखिए कैसा जांच आ रहा है। जब ये पक जाता है, कलर आता है, तभी झांझ सारा निकल जाएगा। ये बादामी कलर जैसा, बादाम जो कलर होता है ना, ब्राउन कलर, ऐसा भूनना है। वो कलर आने तक भूनना पड़ेगा, नहीं तो कच्चा कच्चा रहेगा हलवा, गम जैसा बन जाएगा। इसलिए कलर बहुत अटेंशन देना पड़ता है। देखिए, झांझ सारा निकल गया है। अभी मैं काजू और बादाम इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ये भी भुन जावे। अच्छा, काजू और बादाम थोड़ा भुनने से खाने में अच्छा लगेगा। तो अभी जो चीनी और पानी मिक्स करके पिघला करके रखा है ना, तो उसको पहले स्लो कर दीजिए गैस, थोड़ा दूर खड़े हो करके। वो दोनों चीनी और पानी जो है पिघला हुआ है ना, वो डालेंगे, नहीं तो हाथ पर उड़ेगा। बहुत होशियारी से डालना पड़ता है। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो रहा है। सुंदर कलर भी आया है। जब हमारा भुनने का करेक्ट रहता है तो ऐसा कलर ठीक आता है। इसमें मैं इलायची डाल रही हूँ, इलायची पाउडर करके रखा था उसी को डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस हलवा की विशेषता कढ़ाई में रहते हुए वो कढ़ाई से अलग रहता है। देखिए, कढ़ाई को लगता नहीं है। ये परफेक्शन, हलवा का परफेक्शन की निशानी है। जो हमारा हलवा परफेक्ट बना है तो कढ़ाई में लगता नहीं है। अभी इस हलवे को ना 2 मिनट के लिए बंद करके रखते हैं। देखिए, ऐसा बंद करके रखेंगे, 2 मिनट के लिए बंद करके रखेंगे। देखिए, 2 मिनट के बाद हलवा में तेल छूट रहा है। इसमें 1 स्पून में घी डाल रही हूँ। लास्ट में 1 स्पून घी डालने से वो घी का खुशबू जो है हलवे में बहुत अच्छा होता है खाने में। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, घी मिक्स हो रहा है। अभी इसको बाउल में उतार लेते हैं, सर्विंग बाउल में। उसके ऊपर बादाम जो रखा था उसको डाला है, गार्निश किया है। देखिए, आटे का हलवा रेडी।